नमस्कार, इन खबर बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में जातिगत गणना पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि जितने भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उसे अभी जारी नहीं किया जाएगा और जो भी आंकड़े निकल कर आए हैं उसे सुरक्षित रखने का कोर्ट ने आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद अब बिहार में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पहले भी जातिगत गणना को लेकर के जिस प्रकार से सियासत देखी जा रही थी उसके बाद अब कोर्ट के फैसले के बाद भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का भी बयान सामने निकल कर आया है। दरअसल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच नीच एवं गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थन है। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जो इसका समर्थन नहीं कर रहा है वो समाज में और मानवता और समानता का विरोधी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया था और कहा था कि ये जो सर्वे कराया जा रहा है ये जाति आधारित जनगणना नहीं है, ये एक सर्वे है। आर्थिक तौर पर जो सर्वे कराई जा रही है इसमें किसी प्रकार से वो जातिगत जनगणना को लेकर के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण है जिसमें ये पता चलेगा कि कितने लोग पिछड़े हैं और ये सभी जाति के लिए है, ये किसी एक जाति के लिए नहीं। इससे सरकार की योजनाओं को अंतिम पायदान तक गरीबों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो क्या देश है, एक बार पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना या जाति कास्ट सेंसिस नहीं, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुँचे, ये सारा उसमें था। इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये भी था। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए था। आपको बता दें कि नीतीश सरकार लगातार काफी दिनों से ये मांग कर रही थी कि जाति आधारित गणना जो है कराई जाए और इसके पक्ष में नजर भी आ रही थी नीतीश सरकार। हालांकि जब ये जातिगत आधारित जो है गणना शुरू हुई बिहार में, उसके बाद से इसमें पटना हाईकोर्ट में भी लगभग 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई और इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और रोक लगा दी है। इस पर फैसला अब 3 जुलाई को देखने को मिलेगा कि आखिर इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि नीतीश सरकार ने इसे विधान परिषद और विधानसभा दोनों में प्रस्ताव इसको लेकर के पारित भी कर दिया था कि जाति आधारित जो है गणना कराई जाएगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार इसके समर्थन में नहीं थी। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि ओबीसी की जो है जाति जो है वो उसकी गणना करना एक मुश्किल काम है और ऐसे में जिस प्रकार से नीतीश सरकार ये कदम उठा रही है ये संविधान के उल्लंघन के जैसा है। तो पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल तो जातिगत आधारित गणना जो थी उसको उस पर रोक लगा दी गई है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से लालू यादव और महागठबंधन की जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है और वो कह रही है कि हम जातिगत आधारित गणना करा कर ही रहेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि 3 जुलाई को जो फैसला आता है वो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है और फिर महागठबंधन की सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।